बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने तैयार किए कैरामलाइज्ड खीर, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम तैयार करने लगे हैं चावलों की खीर, जिसके लिए तकरीबन 1.5 ग्लास पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। सबसे पहले देखिए, में पानी बॉयल करने का मकसद ये होता है कि पानी गर्म कर लें तो फिर खीर जो है वो नीचे नहीं लगती, इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालकर तो उसको अच्छे तरीके से उबाल लिया करें। जब उबाला आ जाए तो फिर इसमें चावल जो है वो शामिल करने हैं। अब इन चावलों को बिल्कुल सॉफ्ट गलने तक, मुकम्मल तौर पर 100% गलने तक हम इनको पका लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से चावल जो है वो मुकम्मल तौर पर 100% गल गए। अब हम इनको ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके साथ ब्लेंड किया, थोड़ा सा मैंने चावलों को जो है वो दानेदार रखा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ मैंने इसको लुक नहीं दी, थोड़ी सी दानेदार हमने खीर की जो लुक है वो रखनी है। अब हम इसमें शामिल करते हैं दूध। दूध हमने शामिल करना है 2 से 2.5 लीटर। अब खीर के गाढ़े होने तक हम इसको अच्छे तरीके से पका लेते हैं। खीर के लिए हम कैरामल तैयार करने लगे हैं, जिसके लिए 3/4 कप हमने शुगर लिया है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी शामिल करते हैं। शादियों वगैरह पे जो अक्सर फिल्ली या खीर वगैरह बनी होती है, वो आप देखिए कि इस कदर उसका गोल्डन कलर होता है कि ऐसे लगता है जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें खोया डाला हुआ है, लेकिन वो खोया नहीं होता, उन्होंने चीनी जो है वो कैरामल करके डाली होती है तो इसका कलर आता है। देखिए मैं आपके सामने चीनी कैरामल करके जब डालूंगी तो हमारी भी खीर का कलर जो है बिल्कुल शादियों जैसी खीर वाला आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कैरामल हमारा जो है तैयार हो गया है, खीर भी हमारी तकरीबन तैयार होने वाली है। अभी हमने जो कैरामल तैयार की है ये हम खीर में शामिल करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से खीर जो है तकरीबन 80% गाढ़ी हो गई है। अब ये जो हमने कैरामल तैयार किया है ये इसमें शामिल करते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ गया, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने बहुत ज़्यादा इसमें खोया जो है वो शामिल किया है। ये 15 से 20 अदद बादाम थे जिनको मैंने छील के काट लिया, ये इसमें शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून ग्रेट की हुई गिरी। ये देखिए थोड़ी सी खीर मैंने बाउल में डाली है, ये देखिए अच्छे तरीके से उसमें ठहर गई यानी कि जम गई है। इसका मतलब कि खीर जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और उसको थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कैरामल खीर हमारी जो तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको लाजमी ट्राई करें और हमें बताएं कि आपकी खीर जो है वो कैसे तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।